परफॉर्म करते हुए देखते हुए फील होता है, मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है जब आपके बच्चे आपके सामने परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आई थिंक घर वालों का उतना बड़ा हाथ नहीं होता जितना आपके टीचर्स वगैरह का होता है, क्योंकि टीचर्स की बात जितनी बच्चे मानते होते तो घर पे भी नहीं मानते। आप उनका होमवर्क कराओगे, अगर टीचर ने कुछ लिख के दिया है तो बच्चे बोलेंगे नहीं जो मैम ने लिखा वही सही है, माइंड भी उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन बच्चे आपको सही नहीं मानते, टीचर को ही मानते हैं। तो इसमें मैं टीचर्स को भी बोलना चाहूंगी कि बच्चों को मतलब जो सिखाते हैं वही सीखते हैं, इतना तो हमसे भी नहीं सीखेंगे। तो परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि बच्चे हैं, माइंड की मिस्टेक तो उनसे होंगी ही, बट आगे मैं चाहूंगी कि जो बिहेवियर वाइज जो बच्चों को ज्यादा अगर वो बता पाए तो फोकस ऑन दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात कही है।